फियोकोर्मोसाइटोमा, इसको हम कहते हैं ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला, और हम कहते हैं फियोकोर्मोसाइटोमा इज ए ट्यूमर ऑफ द क्रोमाफिन टिश्यू एड्रेनल मेडुला का, विच सीक्रेट कैटेकोलामाइन, डैट इज एड्रेनल मेडुला हार्मोन। एड्रेनल मेडुला के अंदर क्रोमाफिन टिश्यू होता है जो सीक्रेट करता है एड्रेनल मेडुला हार्मोन, जो आपके होते हैं एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन। ये आपके कैटेकोलामाइंस हैं, दीज आर हार्मोन ऑफ एड्रेनल मेडुला। इनमें से कुछ भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये सिंपेटेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेकोलामाइंस का मतलब है बॉडी में सिंपेटेटिक एंड पैरासिंपेटेटिक सिस्टम होता है। दे एक्टिवेट सिंपेटेटिक सिस्टम, ये बॉडी को बहुत एक्साइटेड स्टेट पर ले जाएगा। बाहर वाला पार्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला आपका एड्रेनल मेडुला है। यहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके कुछ हार्मोन होते हैं जिसको हम कैटेकोलामाइन कहते हैं। फर्स्ट एडीआर, सेकंड नॉरेड, थर्ड डोपामिन। कैटेकोलामाइन स्टिमुलेट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, टेम्परेचर, स्वीटिंग, ये सारी चीज़ें पेशेंट में बढ़ जाएंगी। और पैरासिंपेटिक सिस्टम इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ फियोकोर्मोसाइटोमा, फर्स्ट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसी में हो आपको फियोकोर्मोसाइटोमा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सडन होगा, एपिसोडिक होगा एंड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगा, मतलब ऐसा बीपी बढ़ेगा अचानक दवा देने से भी कम नहीं होगा। यहाँ हार्ट रेट इंक्रीज होंगे, टेकिकार्डिया होगा, इसलिए पेशेंट को अपनी हार्ट बीट महसूस होती है जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। इंक्रीज स्वेटिंग होंगी, सिंपेटिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एनजाइटी होंगे बीपी की वजह से, हेडेक होगा। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा है, दोनों सिंपेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। ये किसी न किसी रिसेप्टर पर काम करेंगे, इनके रिसेप्टर दो होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की बॉडी में एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा होगा तो कहाँ काम करेंगे ये। बीटा आपके दो होते हैं, बीटा वन और बीटा टू। यहाँ पर एड्रेनालिन सीक्रेट हुआ, बीटा वन पर काम किया। हार्ट में बीटा वन होता है और लंग्स में बीटा टू होते हैं। बीटा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अल्फ़ा रिसेप्टर ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स में अगर आप अल्फ़ा को स्टिमुलेट कर दोगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और बीपी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, बॉडी में ब्लड में एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा है, इसका मतलब इनके कुछ डेरिवेटिव आपके यूरिन में एक्सक्रीट होंगे और इनको हम डिटेक्ट कर लेंगे और इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन में हम क्या क्या देखेंगे। थ्री सब्सटेंस यूरिन में इन जनरल देखते हैं, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी में हम थ्री सब्सटेंस देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कैटेकोलामाइन। फर्स्ट है विनाइल मैंडेलिक एसिड VMA, ये इंक्रीज हो जाएगा यूरिन में। सेकंड है मेटानेफ्रिन, डेरिवेटिव है एपिनेफ्रिन का। थर्ड है फ्री कैटेकोलामाइन, भी यूरिन में मिल सकते हैं, इनका लेवल यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट सिटी ऑफ एब्डोमेन टू लोकेट द ट्यूमर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिमूव ऑफ मैलिग्नेंट टिश्यू, जो भी फियोकोर्मोसाइटोमा है उसको रिमूव कर देते हैं। सेकंड है मेडिसिन फॉर कंट्रोल ऑफ क्लिनिकल सिम्टम, अभी हमने देखा था किस किस रिसेप्टर पर काम करते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन मेनली।
अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर काम करते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मेनली अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर सेकंड है अल्फा ब्लॉकर, मोस्ट कॉमन ड्रग्स फिनोक्सीबेंजामाइन 10 mg OD।